अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों के रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। और बस आज यही सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपनी फिशेस को खाना डाला और फिर मैं काफ़ी देर उनके पास बैठी रही। आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में भी देखा होगा कि मुझे इनके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है इनके साथ बैठ के, इनको देखना, इनके साथ टाइम स्पेंड करना प्लांट्स के साथ। और मेरे पास एक इतनी क्यूट सी कैट भी थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उसको वापस दे आई थी और मैं आज तक उसको मिस कर रही हूँ। वो बहुत ही प्यारी मेरी कैट थी और मैं बहुत ज़्यादा इनको प्यार करती हूँ, एनिमल्स लवर हूँ, प्लांट लवर हूँ, तो इसलिए मेरा काफ़ी टाइम इनके साथ पूरे दिन में गुजरता है, अपने प्लांट्स के साथ, फिशेस के साथ। और ये आप देख रहे होंगे आप फिश टैंक के पास, ये छोटा सा एक मेरा फ्रेम पड़ा हुआ है, ये मेरे बेटे ने मुझे मदर्स डे पे गिफ्ट दिया था, हैप्पी मदर्स डे पे। ये साथ में मैं बनी हुई और उसने साथ में अपने आप को बनाया हुआ है। और मेरे पास ये छोटा सा फ्रेम था और मैंने इसको उसके ऊपर ना डेकोरेट कर लिया था, ये इतना खूबसूरत लगता है ट्रॉली के ऊपर पड़ा हुआ। और उसके बाद 4:30 हो गए थे तो मैंने पूरे घर की लाइट्स ऑफ करके तो अपनी सारी लाइट्स ऑन कर ली। फिश टैंक की लाइट ऑन थी, उसके बाद मैंने ये साइड की लाइट ऑन की थी और काफ़ी देर तक मैं बस ने बैठ के तो हमने कुरान पढ़ती रही थी। सामने मैंने टीवी बंद किया सबसे पहले, तो फिर मैं कुरान लेके बैठ गई क्योंकि इतना अच्छा माहौल बना हुआ था, इतनी खामोशी थी, तो मैंने कहा चले थोड़ी देर कुरान पढ़ते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ी देर तस्बीह पढ़ने लग गई थी और बस इसके बाद वही अफ्तारी का ही काम चल रहा था। उसके बाद हमने असर की अज़ान हो गई तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए ऊपर आ गई। ये मेरा बेडरूम है और ये ऊपर वाला मेरा लिविंग रूम है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर लिविंग रूम में भी मैंने लाइट्स लगाई हुई है। आपको फ्रेंड, मेरा दिल करता है कि मैं अपने घर की हर कॉर्नर के अंदर ना लाइट्स वगैरह लगा दूं। मुझे लाइट्स और अपने बखूर वगैरह ये अपने घर में ना बहुत अच्छा लगता है, बखूर की खुशबू और गोल्डन गोल्डन लाइट्स हों और फ्लावर्स हों, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कॉर्नर भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, नीचे ये मेरी स्टेयर्स का कॉर्नर। और मैंने हमने अपना घर बहुत ही शौक से हमने डेकोरेट किया हुआ है। हर लेडीज़ हमने अपने घर को बहुत शौक से ही डेकोरेट करती है क्योंकि हमारा तो पूरा दिन यहीं पे गुजरना होता है, तो फिर अगर हमने अगर आपके घर में से अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी और घर में गंद वगैरह पड़ा रहेगा तो वो फिर मज़ा नहीं आता घर में। ये मैंने बखूर भी इसका धुआँ भी पूरे घर में हमने दे दिया। अब मैं वहाँ पर जाकर तो मैंने वीडियो मैंने दूर से इसके बस ना हमने स्मोक की वीडियो बनाई थी, तो इतना पॉजिटिव सब कुछ लग रहा था। और आज से हम लोग सब डाइट पर चले गए हैं इसलिए मैंने एयर फ्रायर अपना निकाल लिया, उसके अंदर मैंने अपना स्प्रिंग रोल वगैरह डाले हैं। इसको मैंने 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे इसको मैंने बस किया था, इसके ऊपर मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला, बस डायरेक्ट स्प्रिंग रोल डाल के तो मैंने ये बंद कर दिया था। उसके बाद रूह अफ़ज़ा भी कैंसिल करके तो हम लोग ऑरेंज जूस पे आ गए हैं। ये रहे मेरे स्प्रिंग रोल, काफ़ी अच्छे बने थे, क्रिस्पी थे। और हस्बैंड ने यही कहा कि आप आइंदा से जो है ना रोल समोसे वगैरह जो है ना एयर फ्रायर में ही तुम कर लिया करो, तो इसलिए आज हमने बस कोफ्ते चने और साथ में तड़के वाले चावल थे और साथ में हरीसा, बस इसके अलावा और कोई फ्राई का सामान नहीं था। ये देखिए, मेरे हस्बैंड गए थे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से मेरे ये वाला कप लेके आए थे, कोला बियर, ये मेरा इतना फेवरेट कप है। तो मैंने कहा चले इतने दिन हो गया कॉफ़ी पी हुई तो मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेती हूँ। और वही मेरा ये मैंने साइड वाली हमने जो लैंप है इसके अंदर भी मैंने अपनी ना लाइट्स के अंदर हमने सेल वगैरह डाल के तो इसको भी स्टार्ट कर दिया था, वो भी इतना खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद बस अब जिम जाने की तैयारी हो गई थी अफ्तारी के बाद और घर से निकले थे, तब तो बारिश बनी थी, फिर इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई, वो भी बस 1-2 मिनट के लिए बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं बारिश हुई थी, मतलब कि जिम जाने तक वो बारिश रुक भी गई थी। मेरे घर से बस 5 मिनट का रास्ता है मेरे जिम का, तो पता नहीं क्या एकदम से मौसम चेंज हुआ था, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम था, बल्कि थोड़ी थोड़ी गर्मी भी कम थी, आज तो इतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी। और आप बताएं आप लोगों का कैसा गुजर है। मैंने आप लोगों के लिए यूनियन कॉप के अंदर से वीडियो बनाने की कोशिश की कि मैं आपको बताती हूँ कि रमज़ान की कौन कौन सी ऑफ़र्स लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि अरबिक मुल्क है तो यहाँ पे लेडीज़ वगैरह ने उबाया वगैरह पहना होता है तो यहाँ पे वो ना वीडियोस नहीं बनाने की इजाज़त देते। काफ़ी बड़ा फ़ाइन अगर आप वीडियोस वगैरह या पिक्चर्स किसी के परमिशन के बगैर लेते हुए पकड़े जाओ तो सिक्योरिटी वाले ने साथ ही मुझे कह दिया कि आप लोग यहाँ से वीडियो नहीं ले सकते हैं, तो फिर मैंने अपनी वीडियो बंद कर दी। क्योंकि अगर अमेरिका या कनाडा हो तो वहाँ पर तो आप आराम से वीडियो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है कि आप पब्लिक में जाके वीडियोज़ या फिर आप पिक्चर्स वगैरह नहीं ले सकते, इसलिए फिर मैं आप लोगों के लिए कोई इतनी मार्केट्स वगैरह की कोई इतनी अच्छी वीडियोस बना भी नहीं पा रही हूँ।
तो ये बस मैंने यहीं तक बस वीडियो बनाई थी, अभी आपको मैंने बताना था, अभी ग्रॉसरी तक मैंने जाना था तो वो पहले ही आ गया कि आप लोग वीडियो नहीं ले सकते हैं, तो फिर किसी और प्रॉब्लम में फंसने से अच्छा के बंद ही कर दे। मैंने फिर आज समोसा पट्टी वगैरह ली थी, एग खत्म हो गए थे वो लिया, और अपना शैम्पू लिया था, और बाहर आते हुए हम लोगों ने देखा कि फ्राइडे मार्केट लगी हुई है, तो हम लोग वहाँ पे चले गए थोड़ी देर, थोड़ी सी शॉपिंग की। शूज़ लिए थे मैंने और एक परफ्यूम लिया था, और ये बिल्कुल सामने ही था। होप सो आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा, आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।